नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने आपके साथ एक बहुत बढ़िया मसाला शेयर किया था। साउथ इंडियन था कि महाराष्ट्रियन था, इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि उस ग्रेवी की सब्जी हमने साउथ इंडिया में ही खाई थी, तो इसलिए मैंने साउथ इंडियन बोल के आपको बताया। उसी मसाले से आज एक नई रेसिपी क्रिएट करने जा रही हूँ। उसी मसाले को यूज करके मैं बनाने जा रही हूँ लौकी। और कैसे बनाते हैं इस सब्जी को, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो मसाला ना मैंने उस मसाले से बनाई थी बैंगन की सब्जी, भरमा बैंगन विथ करी। तो आपने अगर नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है, आप चेक करिएगा। और मसाले की रेसिपी भी आप वहां से भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मसाला है। पहले हम क्या करेंगे, लौकी को छील लेंगे। तो मैं लौकी छील लेती हूँ। लौकी को छील लेते हैं। छील करना हमें इसे बड़े बड़े पीस में काटना है। तो इसको आप एक लौकी को आधा कर लीजिए, फिर उसको तीन पार्ट में बांट लीजिए। इस तरह से तीन पार्ट में बांट लीजिए और हमें इसके ऐसे ऐसे पीसेस काटने हैं, इस तरह से। बहुत ही अलग तरह से बना रही हूँ आज सब्जी, शायद ही किसी ने ऐसी बनाई हो। मैंने कहा चलो मैंने ट्राई किए तो आपको ही बताऊं। ये मैंने आधा किलो लौकी लिए, मैं उससे बना रही हूँ। ये देखिए, बस इसको काट लिया। अब क्या करना है, अब हमें इसे करना है फ्राई। तो चलिए फ्राई करते हैं। लौकी को हम इसमें ऑयल में इस तरह से काट के फ्राई कर लेंगे। थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे, जिससे कि ज़्यादा ऑयल नहीं जाए। बस हल्का सा इसको सॉटे करके निकाल लीजिए। डीप फ्राई नहीं करना है हमें, इसको शैलो फ्राई ही करना है। हम एक चम्मच जीरा और एक चम्मच राई, जैसे ही चटर पटर करने लगता है इसमें डाल देंगे हम चॉप करे हुए, बिल्कुल बारीक चॉप करे हुए प्याज। इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच के करीब मिर्ची, या आपके स्वाद अनुसार मिर्ची डाल दीजिए। 1/4 चम्मच डाल देंगे अपन हल्दी और इसको करेंगे वापस से एक बार अच्छे से सॉटे। देखिए, जो एक कलछी ऑयल डाला था ना, उसी से पूरी सब्जी हमारी आज बनके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसके साथ चलाएंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 टमाटर बारीक कटे हुए। तेल ऊपर आए तब तक इसे ढक के पका लेंगे। देखिए अभी हमारे टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, टमाटर के साथ भी डाल सकते हैं नमक, या टमाटर गल जाए उसके बाद भी डाल सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। अब हम इस ग्रेवी के अंदर डालेंगे अपनी ये लौकी जो हमने अभी सॉटे करके रखी थी, इसको भी इसके साथ अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा वो मसाला जो हमने पीस के रखा है, पीस के और तैयार करके रखा है, उसके 2 बड़े चम्मच भर के इसमें डाल दीजिए और
के साथ इसको चला लीजिए। इतना डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा ना इस सब्जी का, आप खाएंगे और कहेंगे वाह क्या चीज खा रहे हैं हम। थोड़ा पानी डाल देते, आधा कप करी पानी डाल दीजिए और अच्छे से इसको मसाले के साथ लौकी को मिक्स कर दीजिए। अब जब तक लौकी गल जाए तब तक हम इसको ढक के पका लेते हैं। बस जी देखिए अब हमारी ये लौकी गल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और ये है रेडी टू सर्व। आप चाहें इसको फुलके के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार ट्राई ज़रूर करिए और अब इसको सर्व कर लेते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने कर लिया है आगे से आगे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।